क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन किस डिजीज के लिए था? बताइए नीचे कमेंट्स में। आज हम जानेंगे कोविड-19 वैक्सीन कैसे काम करती हैं। कोरोना वायरस में आपने स्पाइक्स देखे होंगे। ये स्पाइक्स एक्चुअली स्पाइक प्रोटीन है जो वायरस को ह्यूमन सेल्स में एंटर करवाता है। एंट्री के बाद वायरस हमारे सेल्स में अपने जीन्स रिलीज करता है। ये जीन्स हमारे सेल्स को वायरस की कॉपीज बनाने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसलिए इन्फेक्टेड सेल्स वायरस की कॉपीज मैन्युफैक्चर करने लगते हैं। इसी प्रोसेस से वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई करता है। अब ऐसा होने पर हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है। ये एंटीबॉडीज वायरस के स्पाइक्स पर अटैच होकर उसे सेल्स में एंटर करने से रोक देती हैं और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं फैल पाता। और सेल्स के बाहर इस वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर कोई नया वायरस बॉडी में पहली बार एंटर करता है तो उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में इम्यून सिस्टम को थोड़ा समय लगता है और इस दौरान वायरस तेज़ी से मल्टीप्लाई होकर इन्फेक्शन को बढ़ा देता है। इसी जगह वैक्सीन्स काम आती हैं। कोविड-19 वैक्सीन्स कोरोना वायरस बॉडी में आने से पहले ही एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती हैं। अधिकतर ये वैक्सीन्स हमें चार टाइप्स में देखने मिलती हैं, जैसे mRNA, वायरल वेक्टर, सब यूनिट और इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। mRNA वैक्सीन्स जैसे फाइजर या मॉडर्ना हमारे सेल्स में mRNA यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट करती हैं। mRNA लेबोरेटरी में बनाए गए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है, जिसे फॉलो करके हमारे सेल्स बॉडी में कोविड-19 वायरस के स्पाइक्स बनाते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि स्पाइक्स या स्पाइक प्रोटीन कोविड-19 वायरस का सिर्फ एक हिस्सा है, ना कि पूरा एक्चुअल वायरस। इसलिए अकेले ये स्पाइक्स हमें बीमार नहीं कर सकती, पर हमारा इम्यून सिस्टम इनको पहचान कर इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है। वायरल वेक्टर वैक्सीन्स जैसे कोविशील्ड, स्पुटनिक वी या जॉनसन एंड जॉनसन एक हार्मलेस वायरस द्वारा कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन बनाने वाला जीन हमारे सेल्स में डालती हैं और ये जीन हमारे सेल्स को कोविड-19 स्पाइक्स बनाने बोलता है। इन स्पाइक्स को इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद आती है सब यूनिट वैक्सीन्स जैसे नोवावैक्स, जो पहले से बने कोविड-19 स्पाइक्स बॉडी में नैनो पार्टिकल की फॉर्म में इंजेक्ट करती हैं। इस वैक्सीन में हमारे सेल्स इन स्पाइक्स को नहीं बनाते। आगे का एंटीबॉडी डेवलपमेंट प्रोसेस दूसरी वैक्सीन्स की ही तरह इसमें भी सेम है। और आखिर में है इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन जैसे कोवैक्सीन, सिनोफार्म और सिनोवैक। ये वैक्सीन्स बॉडी में इनएक्टिवेटेड कोविड-19 वायरस इंजेक्ट करती हैं। वायरस को इनएक्टिवेट करने के लिए ये वायरस से वो जीन निकाल देते हैं जो उसे मल्टीप्लाई करने की क्षमता देता है। इस जीन के बिना ये इनएक्टिवेटेड वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, पर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है, जिससे हम फ्यूचर में इस बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। और दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर द्वारा 1796 में स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए बनाई गई थी। इस वैक्सीन को बनाने के लिए काउपॉक्स वायरस का प्रयोग किया गया था। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू कोविड-19 वैक्सीन्स की वर्किंग का। शेयर कीजिए वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तब तक टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।